continues to reel under a heat wave as temperatures touched 45 degrees. गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। कितना गर्मी है? गर्मी है। तो उसको व्हाइट पेंट ढाबे पे लगवाने का है। इंस्टेंट रिलीफ मिले गर्मी से। Please live simply in the big cities so that we simply live. काम करने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। अंदर तो समझ लो कि बर्फ है, यहाँ पे ठंडे ही ठंडे। इसे हम बर्फ निकालते हैं ये बॉक्स, फिर आता है गाड़ी वाला उसको भी देते हैं। खोल दरवाजा, डलवा रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, जब तुम्हें सहूलियत हो जब डाल दियो तो जल्दी जाओ, तुम निकल। जैसा आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में कितनी गर्मी है, हम बर्फ़ बनाते हैं फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों के पास के लोग बाग इंस्टेंट रिलीफ मिले गर्मी से। ये सॉल्टी वाटर है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करना हमें ज़रूरी है, जब ये बर्फ़ ये तैयार होगी हमारी। हाइट है 24 घंटे के बाद वो बर्फ तैयार हो जाती है। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। कितना गर्मी है? गर्मी कैसे लग रहा है? पानी लग रहा है। गर्मी से सब फोड़ा वड़ा निकला, इसको देखो गर्मी बहुत ज्यादा है। कैसे कैसे करके यानी दिन निकल जाता है, और जब शाम होती है तो शाम को तो और ज्यादा गर्मी लगती है, तो हवा आती नहीं, रात को भी नींद नहीं आती ढाबे पर भी हमको, यानी बहुत तकलीफ होती है। इसमें गर्मी बहुत है, लगती है ना? हाँ, बहुत गर्मी लगती है। खिड़की नहीं है? नहीं, हवा पास होने का रास्ता ही नहीं है। जैसे करवट लो, इधर पसीना बहता है।
उसके बाद मैं आपको एक बताती हूँ कि जिस तरह की आपकी कंडीशन थी उससे भी 10 गुना मेरी तो खराब परिस्थिति थी। तो उन्होंने फिर वाइट पेंट का सजेशन दिया। समझ लो ये 10 फुट ये और 10 फुट वो, और लंबाई उसकी 25 है। तो उसको वाइट पेंट ढाबे पे लगवाने का है, तो लगभग नहीं नहीं तो 4 से 5 डब्बे तो हो ही जाएंगे, 5-5 किलो वाले। गर्मी यानी मैं थोड़ी देर ही बैठी पर मुझे बहुत ज़्यादा उस घर में गर्मी बहुत ज़्यादा लगी। तो मैंने बोला कि मैं अगर आधा घंटा बैठूं तो मेरा क्या हाल होगा, जबकि वो लोग तो उसी में बना रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, तो उनका जीवन तो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है। आजा बापू, धीरे धीरे। मैं तो आशा बहुत रखूँगी, अगर पेंट हो जाएगा ना तो थोड़ा मेरे को राहत मिलेगी, दिन में थोड़ा सुकून से हम लोग बैठ सकते हैं, नीचे खाना खा सकते हैं, सुकून से खाना बना सकते हैं नीचे। Each year has been a record-breaking hot year since we remember. So that's when I started looking at the bigger problem. Ice stupas are a technique of making these large cones that could be 10 to 12 stories tall, could hold some 10 million liters of water in the winter, and then because of its geometric shape, it doesn't melt till June. And when it melts in those months, it releases the water slowly so that trees could be planted in deserts, or it augments the flow of streams so that farmers get a little more water in the crisis period. So upstream where we put the pipe and downstream where we want the ice cone, the water wants to go to the same level as up, and there's pressure which throws water into the minus 20 winter sky, and then it freezes into a cone of ice. ये बहुत बड़ी बात है कि शकीला बेन आगे आके उन्होंने वाइट पेंट की मांगनी करी है कि अगर आप वो वाइट पेंट करा दोगे तो उससे नहीं नहीं तो 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। अभी ये लॉकडाउन के हिसाब से तो मालूम है सब परेशान हैंगे, तो थोड़ा बहुत अरेंज करे, थोड़ा बहुत किसी से ले लिए पैसे, तो अब गर्मी के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। गर्मी लग रही है आपको? पसीना बहुत हो गया। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है बर्फ में,
हम फैक्ट्री से लाते हैं बड़ी बड़ी छिल्लियाँ और फिर हम यहाँ पर लोगों को देते हैं, किसी को 10 रुपये की देते हैं, किसी को 5 रुपये की देते हैं, लोग अपने घरों में लेके जाते हैं, दुकानों पे लेके आते हैं। दूध वाला होता है अपने दूध के लिए लेके जाता है, लस्सी वाला जो होता है वो अपनी लस्सी के लिए लेके जाता है, और जैसे मटन वाला होता है वो अपने गोश्त के लिए लेके जाता है ताकि गोश्त न सड़े। जो जो छोटी छोटी फैमिली के होते हैं गरीब लोग, तो वो इसलिए लेके जाते हैं, सुबह से थके हारे आते हैं, शाम को ठंडा पानी पी के थोड़ी सी राहत मिल जाती है। दस साल बाद 20 साल बाद ये काम खत्म हो जाएगा, ये काम रहेगा नहीं। गर्मी में लगा हुआ चीज बिल्कुल सुकून मिलता है, जो एक बार मिले आया बार बार ऐसे मिल गया हूँ ना, ऐसे मिल के ठंडा ठंडा गुल गुल अलग मजा आ गया इंशाल्लाह। इंग्लिश आई लव यू बिस्मिल्लाह। नहीं तो पहले ना सब पैर जलते थे, चप्पल वगैरह आ नहीं सकते थे, है ना? बिल्कुल गर्म नहीं है। खाली ऐसा हो गया कि खाली तकिया लेके सो जाओ। सो जाओ, सो जाओ। ऊपर ऊपर तो आओ, आले ऊपर आले देख, खाली चढ़ के देखो लग रही है ठंडा। हां है बराबर। बकरे पे लोग आए जैसे पहले तो इतनी गर्मी लेते 5 मिनट भी अपने घर में बैठ नहीं सकते थे, लेकिन अभी इतना सुकून मिल रहा है ना, ठंडक बहुत अच्छी लग रही है। आज ये मेरा छोटा बाबू भी सो गया घर में सुकून से, नहीं तो वो घर में एक मिनट नहीं रुकता है, लेकिन आज सो गया बेड पे आराम से। Our glaciers are melting not just because of our actions, it is to do with the big cities of the world, New York, New Delhi, Beijing, Paris. Already we have lost 15% of our glaciers in the last 10 years or so. By end of the century, 70% of the glaciers will be gone. Gave a call to the world through a movement called I Live Simply, where we say that if you please live simply in your big cities, we might simply live.